यहाँ पे देखिए लाल मूली धुली जा रही है। अच्छा, ये अपना कश्मीरी साग है स्पेशल, जो कि डल लेक में धुला जा रहा है गाइस। नाम है लिली, डोंट बी सिली ऑलवेज सिली। दूसरा नाम इसका अनारकली डिस्को चली। एक से एक बेहतरीन और अलग तरह की सब्जी मिलेगी आपको यहाँ पे। अभी हमें श्रीनगर डल लेक में, और यहाँ जो आपको नजर आ रहा है ना, ये है दुनिया का अकेला फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट। तो ये पानी के अंदर सब्जी मंडी है, हर बंदा यहाँ पे अपनी अपनी सब्जी लेके आया है और यहाँ पे अपनी सब्जी बेचते हैं। तो देखिए गाइस, डल लेक में इस तरह की मूली होती है, लाल रंग की बिल्कुल। ये मूली आपको केवल कश्मीर में मिलेगी, कश्मीर के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। ये भैया कितने रुपए किलो है? 10 रुपए केजी। 10 रुपए केजी है। इसको डल लेक में उगाते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं, डल लेक में उगाई जाती है ये मूली अपनी। और इधर देखिए, अब हम आपको यहाँ पे और वेजिटेबल्स दिखाएंगे। ये भैया आए हैं, क्या नाम है भैया आपका? निसार अहमद। निसार अहमद, तो निसार भैया आपके पास कौन कौन सी सब्जी है? वो नदरू है। नदरू दिखाएंगे आप थोड़ा सा कैसा होता है? लाल वाला मूली, धनिया। तो ये देखिए धनिया, ये भी आप डल लेक में उगाते हो? डल लेक की धनिया है, कश्मीरी पालक है ना। अच्छा, ये अपना जो हाक होता है, हाँ। ये कश्मीरी पालक है जो डल लेक में होता है। ये भैया आपको दिखाएंगे नदरू। तो नदरू जो है कश्मीर की खासियत है, कश्मीरी खास सब्जी की। आप इधर आएंगे, अगर आपको यहाँ का वेजिटेरियन खाना है तो नदरू उसमें जरूर मिलेगा। और ये भैया इधर डल लेक में ही होता है। तो ये जो भैया इतना सारा नदरू आपके पास रखा है, इसका क्या प्राइस रहता है, कितने रुपए किलो होता है? ये किलो हिसाब नहीं, ये गुच्छी की हिसाब। अच्छा, ये एक गुच्छी है। तो इसका प्राइस रहता है अपना 250 रुपया। ये कौन सा चीज है? सत्सल। ये भी कोई कश्मीर का स्पेशल साग है। वो क्या चीज है भैया, एक बार वो दिखाइएगा जरा। ये कुछ नई सब्जी है, ये जो मोटा मोटा नजर आ रहा है, इसकी सब्जी बनती है? ये इसको सब्जी बनती है, इसको सब्जी। अच्छा, पत्ते की भी सब्जी बनेगी और इसकी भी सब्जी बनेगी। तो गाइस बहुत डिफरेंट तरह की यहाँ पे आपको वेजिटेबल्स मिलेंगी। नाम है लिली, डोंट बी सिली ऑलवेज सिली। दूसरा नाम इसका अनारकली डिस्को चली। डिस्को भी जाते हैं कभी कभी। पहले पीते ये माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, मगर डर के आगे झील है। डर के आगे झील है, झील है। हमें पप्पू पास हो गया। पप्पू पास हो गया, इसका ताल के खाली हो गए, किश्ती के खाली हो गई। अच्छा, दिमाग से खाली, किश्ती से भी खाली, सारा खाली है। तो सुबह सुबह आप देख सकते हैं माहौल यहाँ पे कितना अपना फनी, कितना अच्छा माहौल है। लोग पैसे से सामान खरीदते हैं यहाँ पे। अभी भी बार्टर चल रहा है। वो भैया अपनी उसमें नाव में कुछ और लेकर आए हैं, ये कुछ और लेकर आए हैं। अब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो इनका सौदा बन जाता है, तो ये सामान अपना एक्सचेंज कर लेंगे। सौदा अपना बन गया। देखिए, ये अपना जो पालक है उनको दे रहे हैं, और उधर से वो जो भी चीज लाए हैं, शायद वो हाक है, वो अपना इन्हें दे देंगे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी अपना बार्टर चल रहा है। उधर से मूली है जो इधर ली जा रही है। तो एक डेढ़ घंटे के अंदर अपना सारा बिजनेस यहाँ पे हो जाता है। और ये मार्केट किस टाइम तक रहता है अपना? 7 बजे खत्म होगा। 7 बजे खत्म। अभी देखिए दिन ही निकला है यहाँ पे, मतलब दिन निकला भी नहीं है, सूरज अभी चढ़ा भी नहीं है, उससे पहले ये मार्केट अपना खत्म होने वाला है। और आप नजारा देख सकते हैं कितना सुंदर, यहाँ पे आपको फूल रखे हुए नजर आएंगे बहुत सारे। आप यहाँ कावा पीना चाहते हैं, आपको कावा मिलेगा। सब्जी आप जो खरीदना चाहेंगे बिल्कुल ताजी मिलेगी। तो गाइज, अगर आप श्रीनगर आ रहे हैं कश्मीर में, ये डल लेक में सुबह अपना वेजिटेबल मार्केट होता है, ये देखने जरूर आइएगा। बिल्कुल वन ऑफ इट्स काइंड एक्सपीरियंस है। इतनी सुबह पानी के अंदर सब्जियां बिकती हुई मुझे नहीं लगता आपको दुनिया में और कहीं मिलने वाली है। हाँ, सुबह आपको जरूर 4:30 या 5 बजे आना पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत मजा आएगा। और अगर ये वीडियो देखकर आपको मजा आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा वेजिटेरियन फूड। एंड नो मैटर वेयर यू आर, आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री।